नमस्कार, आपका स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश के आदिवासी इलाकों में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला ऐसा पहला जिला होगा जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में बने आवासों के मोहल्ले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम दिया गया है। बता दें कि झाबुआ जिले की ग्राम पंचायत कालाखुट में प्रधानमंत्री आवास योजना में 350 आवासों का लक्ष्य मिला था, जिसमें से 120 आवास पूर्ण हो चुके हैं। इस योजना के तहत अभी 36 हितग्राहियों को योजना के तहत पक्का मकान मिल गया है, जिसके कारण ग्रामीणों में काफी खुशी भी देखी जा रही है। ग्राम सभा ने पहले इस मोहल्ले का नाम कुछ और रखने का सोचा था, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर विचार आने के बाद मोदी का नाम पर सर्वसम्मति बन गई और फिर उसका नाम मोदी फलिया कर दिया गया है। आपको बता दें कि फलिया आदिवासी इलाकों में मोहल्ले को कहा जाता है, इसीलिए अब इस मोहल्ले का नाम मोदी फलिया कर दिया गया है। जानकारी के हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, जिस तरीके से इस योजना के तहत जो आवास है ये बनाए गए हैं और जो मोहल्ला है उसका नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया, क्या कुछ जानकारी आपके पास? ये आदिवासी झाबुआ जिला है, यहाँ बिछड़ा जिला है जहाँ पर हम आदिवासी ग्रामीण मजरे टोली और फलिये में रहते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना इन इलाकों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से ग्रामीण इतने बहुत खुश है कि उन्हें अब अपने मोहल्ले के नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया गया है। साथ होता है कि अलग अलग इलाकों में रहते हैं, वजह अगर कॉलोनियां डेवलपमेंट बनाकर अगर विकास आसानी से बेहतर हो सके तो झाबुआ अंचल की बात करें तो पिछले ऐसा कभी नहीं हुआ है और ज्यादा से ज्यादा इन योजनाओं को लाभ मिल रहा है इन ग्रामीण इलाकों में। जी मुकेश, जिस तरीके से जो आवास लोगों को मिलेंगे उसके बाद खुशी की लहर कहीं ना कहीं लोगों में होगी, साथ ही किस तरीके के जो रिएक्शन है वो लोगों के देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, जहाँ आदिवासी से झाबुआ की बात करें तो यहाँ ग्रामीण काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, इन योजनाओं का लाभ हर इलाकों में पहुँच रहा है। जी बिल्कुल मुकेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि एमपी के रतलाम में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियों का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। आलम यह है कि मरीजों को इलाज के लिए चार चार दिन